और देखिए, अब तक कम खतरनाक समझे जाने वाले ओमिक्रोन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ओमिक्रोन से बीते 24 घंटों में 13 मौतें हुई हैं और अब तक कुल मिलाकर 14 मौतें ओमिक्रोन की वजह से हो चुकी है। WHO ने फिर चेतावनी दी है कि ओमिक्रोन का तूफान आ रहा है। बढ़ता जा रहा है ओमिक्रोन से मौत का आंकड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रोन से 12 लोग दम तोड़ चुके हैं। हालांकि सरकार ने अब तक सिर्फ एक शख्स की ओमिक्रोन से मौत की पुष्टि की है। वहीं अमेरिका में भी एक शख्स की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अमेरिका में जितने नए कोरोना केस सामने आए हैं उनमें से 73% केस ओमिक्रोन के ही हैं। एक हफ्ते में ही ओमिक्रॉन के केस 6 गुना बढ़ गए हैं। वहीं यूरोप के WHO चीफ ने दुनिया को साफ साफ चेतावनी दे दी है। यूरोपीय महाद्वीप इस समय ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा पीड़ित है। ब्रिटेन ही नहीं, पूरे यूरोप में ओमिक्रॉन तूफानी गति से बढ़ रहा है। WHO यूरोप ने जो बातें बताई हैं वो चिंता पैदा करने वाली हैं। 89% केसों में खांसी, गले में दर्द और बुखार के ये लक्षण दूसरे वेरिएंट से मिलते जुलते हैं। ये वायरस 20 में से 30 साल की उम्र के युवाओं में ज्यादा फैल रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूरोप के WHO चीफ का बयान थोड़ी राहत देने वाला है। दोनों का कहना है कि वैक्सीन लगवाए लोग गंभीर स्थिति में कम पहुंच रहे हैं, वैक्सीन से मौत का खतरा कम हो रहा है। यही वजह है कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के तूफान के बाद भी क्रिसमस तक नई पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। वहीं अमेरिका ने भी वैक्सीन लिए हुए लोगों को क्रिसमस मनाने की छूट दे दी है। ABP News आपको रखे आगे।